उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शिकोहाबाद में पर्यावरण मित्र एवं शब्दम को लेकर आज दीपक ओहरी ने क्या कुछ कहा। शिकोहाबाद में पर्यावरण मित्र एवं शब्दम की स्थापना सन 2004 में किरण बजाज के नेतृत्व में हुई थी। पर्यावरण मित्र का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरणीय संस्कृति रोपित करना, शब्दम का उद्देश्य विद्यार्थियों को साहित्य संगीत कला से जोड़ना है। पर्यावरण मित्र और शब्दम जो कि डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद के अंदर काफी उपलब्धि हासिल की है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, सन 2004 में इसी भूमि पर शिकोहाबाद की, जिस पर अभी हम खड़े हैं, पर्यावरण मित्र और शब्दम की स्थापना आदरणीय मैडम किरण बजाज के नेतृत्व में हुई। सन 2004 में 24 सितंबर को पर्यावरण मित्र की और 17 नवंबर को शब्दम की स्थापना हुई। उद्देश्य बहुत सीधा था कि बिना प्रकृति के संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती और बिना संस्कृति के प्रकृति को नहीं बचाया जा सकता। अतः यह दोनों विशेष तौर पर विद्यालयी बच्चों के जो पाठ्यक्रम है, जो उनके चरित्र है, उसमें लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम संस्कृति को, प्रकृति को बच्चों को समझा सकें। इस समय हम कमल नयन कानन में खड़े हैं। ये वन मिश्रित वन है और आप देख पा रहे होंगे तरह तरह के वन हैं। पीछे एक बट वृक्ष भी आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर हम वन दर्शन में बच्चों को लेकर आते हैं और बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप से महसूस करते हैं कि बाहर से यहाँ का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री उन्हें कम लगता है। तब उन्हें समझ में आता है कि वास्तव में पेड़ों की आवश्यकता कितनी है। वो संकल्प लेकर जाते हैं कि वो अपने जीवन काल में अपने मुख्य दिनों पर पेड़ भी लगाएंगे और पेड़ को काटेंगे भी नहीं, अर्थात पेड़ों की संस्कृति, पेड़ों के संस्कार वो यहां से अपने अंदर रूपित करके जाते हैं। अब हम चलते हैं खाद क्षेत्र की ओर। वो खाद क्षेत्र जहां पर जैविक खाद बनाई जाती है, जिसके माध्यम से आप इस धरा को केमिकल से प्रदूषित होने से बचा सकते। जो आज जो जैविक खाद बनाई जाती है, इससे क्या क्या फायदे होते हैं और किस मतलब जैविक खाद जो हम लोग बनाते हैं, इसमें जैविक खाद में केंचुआ खाद है, नेटअप खाद है, किचन वेस्ट पेट है, फोर पेट है, ये सारी तरह की हम लोग खाद बनाते हैं। और जैविक खाद से क्या है कि ये जो तरह तरह की बीमारी चल रही है वो बीमारियाँ नहीं होती हैं, और जो भूमि हमारी रासायनिक खाद, रासायनिक दवा लगा रहे हैं उससे जो बंजर हो रही है, वो जैविक खाद लगाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है और पानी शोषण की वो भी क्षमता बढ़ती है। आज ये किचन खाद है, इसके बारे में कहते हैं। देखिए, किचन वेस्ट खाद पर्यावरण मित्र का महत्वपूर्ण सोपान है कि हम कचरा प्रबंधन सीखें और विद्यार्थियों में भी उसे रोपित करें। कचरा प्रबंधन कार्यशाला हम यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि तमाम तरह की सब्जी, नारियल, घास फूस, छिलके, ये सब पड़े हैं। दोस्तों, हम क्या करते हैं, सभी करते हैं, कि पॉलिथीन में इसे भरा, बालकनी से नीचे देखा कोई नहीं है तो उसे नाली में और फेंक दिया। यानी जो किचन से निकला हुआ कचरा पेड़ पौधों का भोजन था, उसे हमने विष बना दिया, नाली को भी जाम कर दिया। पर्यावरण मित्र कहता है कि वो सीधे प्रकृति का भोजन है। आप एक पिट बनाइए, उस पिट में उस कचरे को डाल दीजिए, कुछ ही दिनों बाद वो एक अद्भुत खाद बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों, हमें आदत अपनानी होगी कि हम कूड़े का पृथक्करण घर से ही करें। गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। पर्यावरण मित्र विद्यालयों में समय समय पर इसकी कार्यशाला भी आयोजित करता है। मैं इस वीडियो को देख रहे सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वो पर्यावरण मित्र में आएं और कचरा प्रबंधन को जरूर समझें, जरूर देखें।